हम लोगों के साथ ये देखो इसमें ये कागज बीच में रखे हैं, बहुत सारे पेपर ये देखो कागज बीच में रखे हैं, सारी फाइलें उसमें बहुत सारे और बहुत सारे औजार जो गायब कर दिए अंदर अंदर देखो ये सब है सारे सामान ये देखो बहुत सारे हथियार जो गायब कर दिए गए भाई ये देखिए ये देखिए सारे हथियार गायब कर दिए गए सारे हथियार गायब कर दिए गए ये देखो नया ताला खरीदेगा ये ताला अभी तक नहीं मिली है ये चाबी नहीं दे रहे हथौड़ी और ये सामने गाड़ी खड़ी है हाथों को गाड़ी दिखाई ये भी गाड़ी ये भी पीछे भी ऐसा ना होता तो कोई काम लगा दे सिक्योरिटी होने के बाद ये गेट क्यों खोला गया, मेरा सवाल नंबर एक था ये था कि ये सिक्योरिटी यहाँ खड़ी हुई है ये गेट क्यों खोला गया। दूसरी बात ये है जब गेट से किसी गाड़ी की एंट्री नहीं थी तो आरओ महोदय अपनी गाड़ी के अंदर क्यों गए। तीसरी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर छेनी हथौड़े और ताले और सील का क्या काम था, इसका मतलब है ये लंबी साजिश करने का प्रोग्राम था। अगर ये दिन की बात थी हम लोगों ने पकड़ लिया और रात में अगर करते तो हम लोग यहाँ जान ना पाते। हम लोगों से कहा गया कि गाड़ी को अंदर नहीं आएगी तो जहाँ बैरिकेटिंग करी रोका हुआ है उसके अंदर किसी अधिकारी की गाड़ी जो है नहीं आएगी और अगर गाड़ी आएगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पर साजिश करने का काम हो रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा कि गाड़ी में ड्राइवर जो जनरली रखते रहते हैं ठीक है अपने पास रखे रहते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ मतलब हम जा रहे हैं सिलतोड़ने को, जैसे हम गेट के अंदर गए थे तत्काल हमने वापस कर लिया, बाकी सब लोग भी देखे होंगे। आरोप है कि हथौड़ी छेनी इसका क्या मतलब है? इतना ही कहूंगा कि वो जो छेनी और तड़ी बात कर रहे हैं वो ड्राइवर यूज करते हैं अपनी गाड़ी बनाने के लिए और हरे गाड़ी में ही होता है। आप कोई फोर व्हीलर निकल के आया है गाड़ी के पीछे बीचों बीच रखा हुआ था, अगर ड्राइवर रखता सीट के नीचे रखता, सीट के नीचे ही था ये लोग, अब इनके कार्यकर्ता जो थे वो लोग निकाले नहीं, देखा गाड़ी तलाशी ली मैंने बोला ले लीजिए आप, मैं जानता था मैं सही हूँ। वोटर लिस्ट नहीं है वो कम्युनिकेट वो कमिश्नरेट का प्लान है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट सबके नाम लिखे हुए कि आप जब इलेक्शन जिस दिन कराते हैं उस दिन से बात करके टाई अप करके सब अपनी चीजें करा सके, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधित मुद्दा नहीं है। अभी जो कि मतलब समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं चेक करने सीसीटीवी कैमरा, अगर ऐसा कुछ होगा तो जो सच है सामने आ जाएगा।